तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को कि स्पिन मोटर पे अगर आप लोगों की वॉशिंग मशीन में पानी आता है, ठीक है, ये जो आप मोटर देख रहे हैं इस पे ऊपर की साइड से पानी आता है तो वो किस प्रकार से आता है, क्या आपकी वॉशिंग मशीन में दिक्कत होती है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर ये कंडीशन होती है तो हमारी मोटर 100% फूकती ही फूकती है अगर आप लोगों का पानी ऊपर की साइड से आता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मशीन को मैं एक एक पुर्जा खोले रखा हूँ और आप लोगों को बेहतर समझाने के लिए, ठीक है। तो आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर एक स्पिनर लगा हुआ होता है, ड्राम होता है, और ये हमारी सील होती है जो कि पानी को रोकती है, और ये होता है हमारा यानी कि ड्रेन वाला पाइप जो होता है पानी को अंदर निकालने की साइड से, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें किसी तरह का कचरा आ जाए तो हमारा जो पानी है वो दोस्तों पास नहीं हो पाएगा और ड्रम में भर जाएगा, ठीक है। जब हमारा पानी ड्रम में भर जाएगा तो ये सील जो देख रहे हैं आप, इस सील के माध्यम से डायरेक्ट जो पानी है वो नीचे की साइड यानी मोटर पे चला जाएगा सीधा। तो ये फंडा होता है हमारी जो दोस्तों जो भी होता है। बाकी अब आप लोगों को करना क्या, देखिए बारी बारी से आप लोगों को ऊपर का पैनल मिस्त्री से खुलवाए और वहाँ पर जाने के बाद क्या होता है, जो हमारा पानी है उसको आप लोग निकासी से करवा दें तो ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं आने की, ठीक है। तो आप लोग ये सारी करवा सकते हैं, जो ड्रेन वाला बाल होता है, ये वाला जो ड्रेन बाल है इसको अगर आप लोग साफ़ करा देंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और हमारी जो सील है वो अच्छी तरीके से लंबे समय तक चलेगी, तो इसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप लोग हमेशा वॉशिंग मशीन की अगर सर्विस टाइम पर करवाएँगे तो इतनी बड़ी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। प्रॉब्लम कब होती है, जब उसमें कचरा आने की वजह से होता है।